वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको रेडमी नोट 8 प्रो के फेक सेल के बारे में बताएंगे। सौमी, हो जाओ सावधान, क्योंकि रेलमी हो गया है आपकी बैंड बजाने को तैयार। सौमी वालों, ये मेरी तीसरी कोशिश है जो रेडमी नोट 8 प्रो मैंने बुक न कर पाया। मेरे कई दोस्त जो रेडमी नोट 8 प्रो लेना चाहते थे, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो आपके फेक सेल के कारण ले नहीं पा रहे हैं। ये क्या बार बार आप में ज्वाइन वेट लिस्ट, ऐड टू कार्ट करने के बाद बार बार इरर, बार बार इरर, ये क्या हो रहा है गे? स्वामी वालो, आपने कोडक के बारे में सुना होगा। कोडक कंपनी जो एक समय बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर छू रहा था, लेकिन आज उसका नामो निशान नहीं है। तो स्वामी वाले, आप भी हो जाइए सावधान, क्योंकि आप कंज्यूमर की भावनाओं को, कंज्यूमर की चाहत को समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर आपका भी नामो निशान कहाँ मिट जाएगा, कोई कुछ पता नहीं चलेगा। बार 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 बार, ये मेरी तीसरी कोशिश, दूसरी कोशिश थी, लेकिन रेडमी नोट 8 प्रो मैंने नहीं ले पाया, ना मेरे दोस्तों ने बुक कर पाया। बार बार आपका वही ऑप्शन। इतनी तो नई डिमांड है कि आपके 1-1 लाख मोबाइल 1-1 सेकेंड, 2-2 सेकेंड में बिक जा रहे हैं। इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं रेलमी वाले, हो स्वामी वाले, सावधान हो जाइए। कब तक आपका ये खेल चलते रहेगा? अगर आप कहते हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो रेडमी, तो आपका K20 प्रो के साथ क्या हुआ? आज वो दाम 19,000 जो सेल के डिस्काउंट करके आप बिक रहा था, लेकिन आज वो क्या हुआ? वो बिक नहीं रहा है आपका प्रोडक्ट, वो 19,000 में ही आ रहा है। क्यों हुआ? आपने उसका दाम बढ़ाया नहीं। सो मेरे मन्नू कुमार जैन जी, मुझसे आपको पर्सनल आग्रह है, ये बंद करिए। ये मेरे जैसे मेरे कई दोस्त हैं जो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं ले पाया, नहीं ले पाया, जबकि उनको लेना है नया मोबाइल, लेकिन वो ले नहीं पा रहे। अंत में वो सब किसकी ओर जा रहे हैं? रियलमी XT की ओर से। सो आग्रह है आपसे स्वामी वालों, प्लीज प्लीज हाथ जोड़कर कुछ करिए। थैंक यू, धन्यवाद।